नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के पांचवें दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सेशन इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासन से करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से आप अपने मैट पर बैठ जाएं। पीठ सीधी और आंखें बंद। दोनों हाथों को अपने जांघों पर टिकाते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। मन बिल्कुल शांत और पूरा ध्यान आपके सांसों की ओर केंद्रित। बस कुछ देर हम यहां ध्यान करेंगे। और अब धीरे से अपने आंखों को खोलते हुए अपने मैट पे बीच में खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को जोड़कर। फिर अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे लाते हुए अपने दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पे फैला लें। पैरों को एक दूसरे से पैरेलल रखना है। और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबरी पे दोनों साइड फैला लें। अंगुलियां पूरी तरह फैली हुई और हथेली नीचे की ओर। उदित हस्त पद आसना। इस आसन से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अपने शरीर का भार अपने दोनों पैरों पर समान रूप से रखना है। तो पैरों की अंगुलियों को बिल्कुल भी ना सिकोड़े और शरीर का भार दोनों पैरों पर बिल्कुल समान रूप से रखें। पीठ बिल्कुल सीधी। 5 गिनती और सांस लेते रहें। 1, 2, 3, 4 और 5। दोनों हाथों को कमर पे ले आएं और अपने दाएं तलवे को घुमाते हुए दाईं ओर कर लें। आपके मैट की लंबाई में दायां तलवा पहले से 90 डिग्री एंगल पे। और फिर दोनों हाथों को फिर से अपने कंधे के बराबरी पे ले आएं, हथेली नीचे की ओर, अंगुलियां फैली हुई। और धीरे से फिर सिर को घुमाते हुए अपने दाएं हाथ की बीचली अंगुली की ओर देखें। पार्श्व उत्थित हस्त पद आसना। और नेचुरली सांस लेते रहें। पेल्विक फ्लोर को इंगेज रखना है जिससे आपके बैक पे एक्स्ट्रा कर्व ना आए। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है 5 और गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। दोनों हाथों को फिर से कमर पे ले आएं और दोनों तलवों को फिर से एक दूसरे से पैरेलल पहले की तरह। और इस बार अपने बाएं तलवे को 90 डिग्री एंगल पे घुमाते हुए बाहर की ओर खोल लें। दोनों हाथों को फिर से अपने कंधे के बराबरी पे उठा लें, हथेलियां नीचे की ओर। और इस बार अपने सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीचली अंगुली की ओर देखें 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर से दोनों हाथों को कमर पे ले आएं और दोनों तलवों को फिर से एक दूसरे से पैरेलल। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और अपने अगले आसन के लिए तैयार हो जाएं। अब हम त्रिकोण आसना का अभ्यास करेंगे। पैरों को फैलाए रखते हुए फिर से दोनों हाथों को उठाते हुए अपने कंधों के बराबरी पे ले आएं। पंजा फैला हुआ और हथेली साइड की ओर। एक सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने कमर से दाईं ओर झुकना शुरू करें। ध्यान रहे छाती आपके साइड की ओर रहेगा, नीचे की ओर नहीं करना है। तो छाती को जमीन की ओर बिल्कुल भी ना गिराएं। बायां हाथ ऊपर की ओर और दायां नीचे आपके पैर के पास। दोनों पैरों को जितना हो सके सीधा रखना है। तो अगर आपका दायां हाथ जमीन के पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे जबरदस्ती बहुत नीचे लाने की कोशिश में घुटनों को नहीं मोड़ना है। पीठ भी बिल्कुल सीधी रहेगी, छाती साइड की ओर।
और बस 5 गिनती तक हम इस पॉस्चर में खुद को होल्ड करेंगे। सांस बिल्कुल नेचुरली लेते रहें। 1, 2, 3, 4 और 5। सांस लेते हुए छाती को ऊपर उठा लें और सांस छोड़ते हुए इस बार बाईं ओर झुकेंगे। आपका बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर की ओर। फिर से ध्यान रहे छाती को नीचे की ओर नहीं गिरने देना है, आपका छाती साइड की ओर रहेगा। फिर से हम 5 गिनती तक इसे होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। शरीर को सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठा लें और अब हम ये सेम मूवमेंट सांस के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेंगे। पॉस्चर को हम समझ चुके हैं, सांस के साथ बस सिंक्रोनाइज करना है। तो सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुकना है। सांस लेते हुए शरीर को उठाएं और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। 1, कंटिन्यू। सांस लेते हुए छाती ऊपर, छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें। सांस लेते हुए छाती ऊपर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। अपने गति के अनुसार अभ्यास करते रहें। सांस लेते हुए छाती उठाना है, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुकेंगे, फिर सांस लेते हुए उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। बस कुछ देर और अपने गति के साथ सांस के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए मूव करते रहें। बस कुछ सेकंड्स और। और इस बार सांस लेते हुए अपने शरीर को सीधा कर लें और दोनों हाथों को अपने कमर पे रख लें। कुछ देर बिल्कुल नेचुरली हम यहाँ पे सांस लेंगे। दोनों पैरों को अभी भी बिल्कुल उसी तरह बनाए रखना है और खुद को अगले स्ट्रेचिंग के लिए तैयार करें। और अब अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अपनी छाती के पास ले आए, हथेलियां नीचे की ओर और दोनों हाथों की बड़ी उंगलियों को जोड़कर रखना है। दोनों बाहों को एक लाइन में रखना है, एल्बो यानी कोहनी को नीचे की ओर ना गिरने दें। एक सांस हम अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को ट्विस्ट करते हुए दाईं ओर घूम जाएं। दृष्टि या तो पीछे की ओर या तो साइड, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। आप मुझे देख सकते हैं, मेरे शरीर का निचला हिस्सा बिल्कुल कांस्टेंट है और मेरा शरीर कमर के ऊपरी हिस्से से घूम रहा है, तो घुटनों को बिल्कुल भी ना मोड़ें। तो दोनों तलवों को अच्छे से बनाए रखना है और घुटनों को बिना मोड़े अपने कमर से आप साइड की ओर ट्विस्ट करेंगे और कंफर्टेबल लगे तो पीछे की ओर देखेंगे। सांस लेते हुए फिर से अपने शरीर को सीधा कर लें और अब एक साथ अभ्यास को शुरू करेंगे। 5 बार दोनों तरफ शुरू करते हैं। 1 सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर ट्विस्ट। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर ट्विस्ट। 1। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर ट्विस्ट। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर ट्विस्ट। 2। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर ट्विस्ट। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर ट्विस्ट। 3। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर ट्विस्ट। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर ट्विस्ट। 1 आखिरी बार। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर ट्विस्ट। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर ट्विस्ट। सांस लेते हुए फिर से शरीर को सेंटर में ले आए और अपने दोनों हाथों को रिलीज करते हुए कमर पे रख लें। दोनों पैर अभी भी फैला हुआ। और अब हम मध्यम वर्ग परिवृत्त त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे।
दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए एक लंबी सांस लेते हुए पीठ सीधी और फिर सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए दोनों हाथों को रिलीज करते हुए हथेलियों को या फिर दोनों हाथों की अंगुलियों को जमीन पे ले आए। हाथों की अंगुलियों पे भी आ सकते हैं लेकिन पीठ को सीधा रखें। यहाँ ध्यान रहे कि जितना हो सके हमें पीठ को सीधा रखना है और गर्दन को भी बेंड नहीं करना है, तो जमीन पे सामने की ओर देखते रहें जिससे आपका गर्दन भी बिल्कुल सीधा रहे। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए थोड़ा और कमर से झुकने की कोशिश करें। प्रसारिता पद्मोत्तानासना। एक बार फिर से एक लंबी सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को बाएं पैर की ओर ले जाएं और बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठा लें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। तो दाया हाथ बायां पैर के पास और बायां हाथ ऊपर, एक ट्विस्ट। फिर से ध्यान रहे शरीर पे बहुत एक्सेस जोर नहीं लगाना है। आपको अपने दाएं हाथ को बाएं पैर की दिशा में ले जाना है, जबरदस्ती उसे छूने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप दाएं हाथ से बाएं पैर को छू पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांस लेते हुए फिर से दोनों हाथों को जमीन पे ले आए सेंटर और सांस छोड़ते हुए इस बार अपने बाएं हाथ को दाएं पैर की ओर बढ़ाएं और दाया हाथ ऊपर, फिर से एक ट्विस्ट, दृष्टि ऊपर या साइड की ओर। फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथों को सेंटर में ले आए। फिर से हम सांस के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए इस मूवमेंट को करेंगे। ध्यान रहे सांस लेते हुए आपका दोनों हाथ बिल्कुल आपके चेहरे के नीचे जमीन पे रहेगा और सांस छोड़ते हुए हम अपने एक हाथ से दूसरे पैर को टच करने की कोशिश करेंगे और दूसरे हाथ को ऊपर की ओर फैलाएंगे। तो एक साथ शुरू करते हैं। एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर को छूने की कोशिश करें, बायां हाथ ऊपर। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए उल्टी दिशा में ट्विस्ट। अपने गति के अनुसार कंटिन्यू करें। मैं आपको कोई गिनती नहीं दे रही हूं, आपको अपने हिसाब से करना है। सांसों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। सांस लेते हुए सेंटर में लाएंगे, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। बस कुछ देर और, बहुत हड़बड़ी में नहीं करना है। जितना हो सके आराम से अपने गति के अनुसार पूरे पोस्चर को समझते हुए करें। अपने कंधों को, अपने हैमस्ट्रिंग्स को ऑब्जर्व करें। कुछ देर और हम यहां पे रहेंगे। और एक बार दोनों साइड कंप्लीट हो जाए तो दोनों हाथों को फिर से सेंटर में ले आए। सांस लेते रहें बिल्कुल नेचुरली। एक सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को कमर पे ले आए और अपने शरीर को उठाते हुए दोनों पैरों को जोड़ लें। रिलैक्स, बिल्कुल नेचुरली सांस लें और आराम से अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। अब हम स्पाइनल ट्विस्ट का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवे को आप जमीन पर टिका लें, घुटना ऊपर की ओर। और अब धीरे से अपने दाएं घुटने को छाती की ओर लाने की कोशिश करें। आप अपने दोनों हाथों से अपने दाएं पैर को पकड़ सकते हैं, घुटने के नीचे या जांघों के पीछे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अर्ध पवन मुक्त आसना। अपने लोअर बैक को थोड़ा रिलैक्स होने दें। अगर आप चाहें तो अपने बाएं पैर को सामने की ओर फैला भी सकते हैं। पांच गिनती तक होल्ड करेंगे। एक, दो, तीन, चार और पांच। और धीरे से फिर दाएं पैर को रिलीज करते हुए दोनों पैर को मोड़ते हुए पहले की तरह जमीन पर टिका लें और इस बार अपने बाएं पैर को अपने छाती के पास लाने की कोशिश करें। आप अपने दोनों हाथों से बाएं पैर को पकड़ सकते हैं,
घुटने के नीचे या फिर अपने जांघों के पीछे जो बेहतर लगे, और सांस लेते रहें। आप चाहें तो इस बार अपने दाएं पैर को बिल्कुल सीधा फैला सकते हैं। 5 गिनती तक हम होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलीज कर लें और बिल्कुल आराम से शवासन में आ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर। अपने आंखों को बंद करते हुए अपने भाव को, अपने चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। हल्का अपने शरीर को आप एडजस्ट कर सकते हैं और शवासन में अपने शरीर को रिलैक्स होने दें। आंखें अभी भी बंद, और अब शवासन से बाहर आने की तैयारी करें। दोनों पैरों को जोड़ते हुए दोनों हाथों को शरीर के ऊपर की ओर ले जाएं। एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे, हाथों के अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक, और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मोड़ जाएं। फिर धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में छाती के सामने लाते हुए एक दूसरे में मलना शुरू करें। फिर हाथों को रिलीज करते हुए दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आएं। चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें और हल्के हाथों से आप अपने चेहरे को एक मसाज दे सकते हैं। फिर धीरे से दोनों हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये 5वां दिन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।